या कार्यक्रमाचे आयोजक आणि संयोजक आनंद आगाशेजी आणि त्यांचे सर्व साथीगण, राजदीप सरदेसाईजी, जो आप जानते हैं कि केवल एक माध्यम नहीं है, माध्यमकर्ता और हमारे जैसे कई आंदोलनों के बीच में भी एक माध्यम बन के कई बार उतरे हैं। विनीता देशमुख जी, जिन्होंने सूचना की बात और उसकी सत्ता और ताकत सामने लाई है, और आप सब इस गुना के विचारशील नागरिक भगिनी बंधु। मैं सोच रही थी कौन सा चैनल मेरा शुरू होगा, हिंदी, मराठी या इंग्लिश, और ये भी सोच रही थी क्योंकि मैं खो गई थी राजदीप के भाष्य सुनने में कि सही में ये सरदेसाई होते हुए भी आप बहुत कुछ भाषाओं में एक साथ बात कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, पर आज बहुत ही कुछ कुछ से उभर के आई हूँ। मेरा आत्मा भी नर्मदा घाटी में है, केवल कमिटमेंट दी थी इसलिए आना पड़ा, यहाँ थी इसलिए लावासा जाकर ही आना पड़ा। और इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ, केवल इसलिए नहीं कि मैं प्रांतवाद के खिलाफ हूँ और मैं राष्ट्रभाषा के, मातृभाषा के साथ साथ पक्ष में हूं, कोई किसी धर्म का नाम क्यों न दे, लेकिन इसलिए क्योंकि बात राष्ट्रीय स्तर की हो रही है और मेरा चैनल भी वो अधिक अच्छी तरह से चल रहा है। सोच रही थी कि बीच बीच में मराठी में बोलती रहूंगी या अंग्रेजी का उपयोग भी करूंगी आप सबके लिए, मैं तो शुद्ध हिंदी बोल सकती हूँ, लेकिन ये जरूरी है कहना कि जब माध्यमों की बात चल रही है तो मेरी बूढ़ी माँ आजकल हर रोज अखबार पढ़ते हुए कहती है, थोड़ी सी सिनेरिटी आती होगी ऐसा हमें लगता है, लेकिन जो कहती है वो सच महसूस होता है, दुनिया बदल गई है। एक एक घोटाले को लेकर भी कहती है और माध्यमों को देखकर भी कहते हैं, मुखपृष्ठ अभी रहा ही नहीं, वह एक विज्ञापन बन गया है, यह देखकर भी कहते हैं। और ये बात सच नहीं है क्या, आप सोच सकते हैं। राजदीप जी की बात से सवाल निश्चित उभर आता है कि क्या ये दुनिया बदलने में माध्यमों का बहुत बड़ा योगदान है, किस ओर दुनिया बदलने में है, किस ओर दुनिया को जाने से रोकने में है, इस बात की भी गंभीर सोच और चर्चा चरण जरूरी है। प्रभाष दोषी जी आज नहीं रहे, जो मीडिया को मार्केट से जोड़कर जो कुछ हो रहा है उसकी पोल खोल करने वाले एक अध्वर्य, जिन्होंने जब नर्मदा का फैसला आया तब भी कहा था उस सर्वोच्च अदालत को सामने गवाह के रूप में रखते हुए कि फैसला है न्याय नहीं, जो आज इस वक्त 14 दिन से पानी में खड़े या बैठे रहे हमारे साथियों के, और वो पानी छोड़ने के बाद बंद पड़े हुए सरदार सरोवर के भी क्षेत्र में बनते हुए पानी से साबित हो रहा है। लेकिन ये हिम्मत माध्यमों के बारे में कहने की भी और जनतंत्र के जो पहलू ही नहीं स्तंभ माने जाते हैं उस किसी भी स्तंभ के बारे में कहने, चाहे वो न्यायपालिका क्यों ना हो, ये हिम्मत जिन माध्यमकर्ताओं में है मैं मानती हूं वो ही सही में मीडिएशन का जो काम है मीडिया का, एक प्रकार से समाज और सत्ता के बीच का मीडिएशन, जिसका बहुत खूबसूरती से और गंभीरता से वर्णन एक मूवमेंट को विशेष रूप से लेकर राजदीप जी ने किया, समाज और समाज तबके और तबकों के बीच का मीडिएशन,
गरीब और धनी के बीच था, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच था, जो भी झोपड़ी वाले और ऊंचे महलों में रहने वालों के बीच था। और मीडिएशन उस राष्ट्रीय स्तर के सपनों और ख्वाहिशों के बावजूद स्थानीय समाज के उद्गारों को लेकर करने की बात। इन तमाम प्रकार का मीडिएशन एक माध्यम की भूमिका अदा करने की बात, क्या वो आज के माध्यमकर्ता गिनीज बुक्स में आ गया है, मैंने आज ही सुना। लेकिन ये सब होते हुए भी एक प्रकार का इन्फ्लेशन, जिसको हम कह सकते हैं, सूजन तो नहीं आ रही है। और इस सब के द्वारा क्या इस प्रकार का माध्यम की भूमिका अदा करने के बाद उभर आ रही है? ताकत से उभर आ रही है, कमजोरी से उभर आ रही है? किसके पक्ष में उभर आ रही है और किसके विपक्ष में उभर आ रही है? इसकी बात देखने के लिए मैंने केवल जन आंदोलनों का चश्मा आज पहना। वो मेरा नजरिया भी है, लेकिन आप लोगों के लिए वो चश्मा साबित हो सकता है। जन आंदोलनों की नजर से कैसा दिखता है माध्यम और कहां तक छूटा है माध्यम हम सब लोगों को, पर आपके दिल दिमाग को। इस बात को अगर सोचना है तो आजादी के पहले के माध्यमों की बात, 1780 में निकला हुआ पहला बंगाल गैजेट जैसा वृत्तपत्र, या दर्पण, या फिर गांधी जी का हरिजन भी, इस प्रकार की बात को हम लोग अगर नजर मिलाएं तो लगता है कि कहीं एक ही कोने से निकला हुआ, लेकिन पूरी एक देश की और कई सारी राष्ट्रीयताओं से बने हुए इस राष्ट्र की, उस प्रकार न उभरे हुए लेकिन गणराज्यों में खोए और बिखरे हुए इस पूरे क्षेत्र के समाजों की कुछ तमन्ना उसमें प्रकट होती थी। आज ये चीज कहां तक हो रही है? कोने कोने में पहुंच रहा है मीडिया। पारदर्शिता की और जवाबदेहिता की बात राजदीप जी ने की, लेकिन कहां तक इन मूल्यों की और इन उद्देश्यों की चौखट में खुद को डालकर आज बहुत सारा मुख्य धारा का मीडिया अपने ही को मूल्यांकन के सामने पेश कर रहा है। मेरे ख्याल से जवाब कुछ ईच बीच का आता है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये कोई मेरे मन का डिलेमा नहीं है। आंदोलन के मिले जुले अनुभवों से सच्चाई तो कोई एकदम ढूंढ नहीं सकता है, पर जो उन्होंने बात की कि ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले मीडिया को, जो आज ब्लैक एंड व्हाइट कितना सुंदर रहा है, हिंदी रंगीन रंगीन हो गया, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी दुनिया या कोई मुद्दे को और विश्लेषण को भी न विभाजित करते हुए जो ग्रे होता है, जो ईच बीच की पूरी एक गहराई होती है, उसको देखने वाला मीडिया जन आंदोलन खोजते रहते हैं, कई बार नहीं पाते। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको जो अनुभव है वो यही है कि पारदर्शिता तो है, पर्दा है तो पारदर्शिता है, और ऑडियंस है केवल देखने वाले दर्शक हैं, लेकिन इसके बावजूद जो दिखाई देता है वो पूरी गहराई से नहीं दिखाई देता है। ये बात कई मुद्दों को लेकर जन आंदोलनों को महसूस होती है। मेरी ये बात शायद मीडिया और मूवमेंट में जितना फर्क है उतनी अलग लगेगी दो लेक्चरों में, लेकिन एक सरलता से रखना जरूरी है, इसलिए रखते हैं। कितने मुद्दों का उदाहरण दे दो, कुछ तो उन्होंने ही दिए। एनरॉन का संघर्ष, जब एनरॉन एक अत्युच्च कोटि की कंपनी रही थी, ईस्ट इंडिया से भी तुलना न करनी जैसी, और उसकी गुलामी करने वाले हमारे कानूनों के तहत जिनको अधिकार दे दिया है प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी बनकर आने का, उनके ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में आए हुए वॉचमैन की बात नहीं कर रही, हमारे रत्नागिरी और गुहागर के खाकी वर्दी के पुलिस, और वो उनके साथ खड़े होते हैं तनख्वाह उस कंपनी से लेकर
और सामने हमारे मछुआरे, हमारे किसान, हमारे वहां के मजदूर, हमारे वहां के मंदिरों में कहीं सातेरी आई को पूछते हुए पहुंचने वाली महिलाएं, ये सबका संघर्ष, दो लेवल प्लेइंग फील्ड। और इस बीच मीडिया कैसी और कैसी पेश आती है और कैसी नहीं पेश आती है, हमने जो देखा वो बहुत गंभीर था। पावर परचेस एग्रीमेंट से लेकर बिजली के पूरे रेट्स और पूरे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को लेकर हम खड़े थे, लेकिन मीडिया को इंटरेस्ट नहीं था। चिपलून की तस्करी में पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु और केरला तक के हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की एक एक टीम आकर तीन दिन से छह छह दिन तक 10x15 की कोठरी में 10-10 लोगों के साथ कानून के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन मीडिया वहां नहीं पहुंची। लेकिन जैसे ही कोई एक पियानो उभर आया मीडिया से निकला हुआ और कुछ आंदोलनों को जानने वाला, और उसने, आप जानते भी होंगे कहीं उसका नाम, लेकिन उन्होंने जबकि एक अलग प्रकार का एक दृश्य चित्र तैयार किया, उन्होंने कहा ड्रामा में उससे थोड़ा कम ही कह रही, वो जब तैयार किया और सामने पेश किया तब मीडिया पहुंच गई एनरॉन पर। खैर एनरॉन जो किसी केवल आंदोलनों से कोलैप्स हुआ, अपने ही करतूतों से कोलैप्स, लेकिन मुझे मालूम है कि उस पूरे आंदोलन के विश्लेषण में कभी कॉर्पोरेट्स पर उतनी टीका टिप्पणी नहीं हुई जितनी कि अपने बार्गेनिंग और रीबार्गेनिंग में लगे हुए राजनेताओं पर भी, चाहे वो शरद पवार हो चाहे वो बाल ठाकरे जी। एक अनुभव ये था, अरे हमने कहा हमारा कहे तो मीडिया का ये रोल स्वाभाविक है कि मीडिया जबकि कोई न्यूज बनेगी तब न उठेगा, जागरूक होगा और दौड़ेगा भी यहां से उस छोर तक और किचन में और पानी में। लेकिन केवल व्यूज की बात अगर रखनी है तो वो मीडिया, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नहीं दौड़ पड़ेगा। कल ही मैं सातारा में थी, वहां मराठवाड़ी के जल सत्याग्रह की बात, जैसे सरदार सरोवर में 12 साल चला, पर आज करीबन हर बड़े बांध में चलना चाहिए, ऐसी गंभीर भयावह गांव गांव की हत्या की स्थिति सामने खड़ी है, तो उस जल सत्याग्रह के बाद कितना कुछ नाट्यपूर्ण हुआ, मीडिया कहीं थी कहीं नहीं थी। पर कल के पत्रकारों के साथ बातचीत में जब हमारा दर्द और दुख ये था कि उस सबके बावजूद पूरी पोल खोल तो हो ही गई, लेकिन आज भी पानी भरा हुआ है, पर पश्चिम महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र का क्या, पूर्ण राजनीतिकरण झालेल्या अशा जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ आणि पुराच्या फेऱ्यामध्ये गुंतलेल्या मोठ्या धरणांनी सुद्धा हे संकट न मिटवू शकलेल्या अशा प्रदेशामध्ये एका धरणाचे आणि 5 धरणांचे धरणग्रस्त येऊन पोल खोल करतायत, पण मीडियाला इंटरेस्ट संघटन आणि संघटनांच्या मधल्या नात्यावर। शेवटी त्यांना हे म्हणावं लागलं की तुम्हाला न्यूज व्हॅल्यू असेल, आम्हाला व्ह्यूज व्हॅल्यू जास्त महत्वाची लागते, कृपया समजून घ्या, नाहीतर पत्रकार अशाही गोष्टी घडतात, किती किती म्हणून सांगाव्या। या अण्णांच्या आणि भ्रष्टाचार विरोधीच्या, केवळ अण्णांच्या म्हटलं तर जन आंदोलनांची जी प्रणाली नाही किंवा असू नये, मीडिया कधी कधी अधिक व्यक्तिवादी बनवतो आणि कधी कधी आंदोलनही त्याला बळी पडतो, पण या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये त्या संदर्भामध्ये सुद्धा मीडियाची अशी ही दुधारी भूमिका, जी त्यांनी म्हटली, आम्ही नेहमी मांडत असतो की निश्चित प्रकारे अनुभवाला येतो। कुठेतरी राजदीपजी आणि मी ते उपस्थित आहेत म्हणून सांगत नाही, मी अनेकांना सांगितलं की त्याकडे इतक्या सगळ्या गदारोळामध्ये, गदारोळ म्हणजे काय, माच्याच्या माच्या वेगळ्या मैदानात नाही, और 7 बजे से 10 बजे तक जब मैं लोगों के बीच में जाने के लिए और मीडिया से बात करने के लिए, जिससे भी लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे जवाबों के और आरोप भी उठ रहे थे, उसके जवाब भी देने के लिए, तो महसूस होता था कि वहां इतनी सारी दौड़ा दौड़ चल रही है, लोग भी मीडिया की तरफ देखकर कुछ आते थे, ऐसा नहीं कि मीडिया मैन्युफैक्चर नहीं करती होगी, लेकिन मीडिया इन्फ्लुएंस जरूर करती है लोगों का आना या नहीं आना।
बंबई का धरना और उपवास सन्ना का और रामलीला का, और वो एक स्वाभाविक उनकी भूमिका है। पर वहां भी ये महसूस होता था कि हर छोटे छोटे मुद्दे पर इतनी सारी चर्चा, कभी कभी फिजूल लगती थी। उसके बाद तो कई बार मैंने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं, कभी पैनल में भी जाने के लिए तो नहीं, नहीं पहले अगर कुछ लेके रखा तो ठीक है, इतना ही समझ कर मैं देती हूँ। दर्शकों को ये समझ में भी नहीं आता है, लगता है नहीं इतना समय स्टूडियो में बैठी रही है। लेकिन नहीं, जन आंदोलनों को जबकि माध्यमों की जरूरत होती है, तब माध्यमों के द्वारा उठाए गए कुछ अगंभीर सवालों की बहुत खंत लगती है, ये मैं अधोरेखित करना चाहूं। और इस प्रकार के पूरे अनुभव जो मेरे ख्याल से आजादी पूर्व के उस पत्रकारिता के साथ नहीं इतने थे, जो आज उभर आए हैं, क्योंकि एक प्रकार का मैंने कहा मीडिया का पहुंच, प्रभाव और दबाव बढ़ गया है। लेकिन मीडिया की पहुंच सही में अंदरूनी खोज तक, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बहुत बातें चलते हुए भी कुछ कम कम होती जा रही। अपवाद है, बहुत सारे घोटालों के बीच कहीं मीडिया एकाध पत्र निकाल कर लाता है और वो दिखाता है तो बहुत बड़ी खबर ही नहीं बनती, कुछ गंभीर खोज भी होती है और खोज खबर मिलकर चलती है। लेकिन हर बार ये नहीं होता और कई बार ये नहीं होता, ये जन आंदोलनों को महसूस होती है। आदर्श सोसाइटी का घोटाला अंग्रेजी के एक सबसे बड़े अखबार में उठा लिया दिलीप भाई से, और वो एक सही बड़ा घोटाला बन गया। हमें खंत रही कि आदर्श घोटाले की केस जब हमने सालों तक फाइल हमारे हाथों में रखकर डाली, तब जिस कारण से और जिन लोगों के खिलाफ वो घोटाला निकालने का काम बंबई के गरीबों के घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन को करना पड़ा, वो कारण, वो उसकी उत्पत्ति का कारण घोटाले का ही नहीं, इस प्रकार के जमीन के आदान प्रदान, हस्तांतरण और भ्रष्टाचार का और उससे जुड़े हुए गरीबों पर हो रहे अत्याचार का बाजू में ही रह गया कोई क्या। सुशील कुमार शिंदे जी जैसे एक भूतपूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री बन गए, मीडिया का प्रभाव है भी और नहीं भी ये दिखाई दिया। ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे गरीबों के, 75,000 गरीबों के जब घर तोड़े गए, तब अब नाम लेना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नाम तो ले सकती हूँ, निगेटिव नाम मैं मीडिया से डरती नहीं हूँ, बहिष्कार से भी डरती हूँ, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं कहना किस किस ने उस बात को उठाया, किस किस ने नहीं उठाया। पर जबकि उन सम ड्वेलर्स ने जो आपके घर के द्वार में रोज अखबार डालते हैं, दूध की थैली पहुंचाते हैं, आपके घर बनाते हैं, इस प्रकार के हॉल्स और हाईवेज और फ्लाईओवर्स बनाते हैं, जो सही अर्थ से बिल्डर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, उनको रात को कहां सोना है, मंत्रालय सफा करने के बाद या आपका संडास साफ करने के बाद, वो दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, हमारी मर मर के काम करने वाली महिला है, इसकी खबर नहीं है लोगों। बहुत सा समाज जो कि बहुत संवेदनशील मानता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है, न्याय की बात सोचता है, राष्ट्रीयता की बात सोचता है, उनको मालूम ही नहीं कि शहर में 50-60% लोग इन बस्तियों में कीड़े मकौड़े की तरह जीते हैं। आदिवासी क्षेत्र में जितना कुपोषण है उससे ज्यादा बंबई वित्तीय राजधानी और 40,000 करोड़ का टैक्स पे करती है, उसके स्लम्स में है 52% से 55% तक। लेकिन इनको न सोचने वाले समाज के प्रतिनिधित्व करते हुए जो नौकरशाह और नेता बैठते हैं, चुने जाते हैं, उनको तो वो रामानंद तिवारी हो, वो जयराज पाठक हो, वो पीडी व्यास हो, वो और कोई हो, उनको तो एक ही बात की और सवाल जन आंदोलनों के सामने पूछने के लिए होता आया था उन दिनों में, क्या आप बंबई को स्लम बनाना चाहते हैं? ये बायस ही नहीं, ये आइडियोलॉजिकल बायस, कोई न्यूट्रलिटी तो ऐसे हो ही नहीं सकती, इस बाजू है उस बाजू है,
ये 22 श्रमिकों के खिलाफ, मेहनत कशों के खिलाफ, सही में जो उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, सेवाएं देते हैं, जिनके कारण कुछ मुट्ठी भरों की जिंदगी भोग और उपभोग से पलती है, पुष्टती है, सुंदर समृद्ध दिखती है, लेकिन उनकी समृद्धता जात पात धर्म के पार होती हुई कोई संवेदना नहीं। न राजनेताओं को, न नौकरशाहों को, सदैव इस बात का है कि मीडिया के साथ साथ मूवमेंट ने उस बात को उठाकर बहुत चीजों पर, बहुत मोर्चों पर, बहुत कुछ समय तक उठाने के बाद आज वही बराबर लोग जो ये सवाल पूछते थे कि क्या अतिक्रमणदारों को आप सुरक्षा देना चाहते हैं, वही अतिक्रमणदार साबित हुए और जेल में जा पहुंचे। साथियों, आंदोलनों की एक भूमिका और मीडिया की एक इस प्रकार से विभाजन करके मैं नहीं देखना चाहता, लेकिन ये गठबंधन मीडिया और माध्यमों का और मूवमेंट्स का, आंदोलनों का अगर होना है तो ये बायसेस और कई प्रकार के बैरियर्स इनका सामना करे बिना हम आंदोलन करें तो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आंदोलन का मतलब क्या है? जो पॉलिटिकल पार्टी की परिभाषा में निकष या कसौटियां मानी जाती है वही आंदोलन की कसौटियां है। मैं तो कई बार कहती हूं, अगर पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी एज एन इंस्टीट्यूशन के रूप में किसी को आपको देखना है, समझना है, मूल्यांकन करना है तो कीजिए। जन आंदोलन अधिक पॉलिटिकल और अधिक पार्टी जैसे इंस्टीट्यूशन साबित होगी, क्योंकि एक आइडियोलॉजी, एक कैडर कमिटेड और एक रणनीति और कार्यक्रम, वो इनोवेटिव, वो बहुरंगी, बहुमोर्चों पर पहुंचने वाला, पर उन सब के पार, उन सब के बावजूद अपनी मंजिल हासिल करने वाला, ये आंदोलनों की कसौटी होती है। और ऐसे जन आंदोलन जिनकी बहुत बड़ी बिरादरी देश में है, कुछ मीडिया के पर्दे पर झलकते हैं, कुछ नहीं झलकते, एक एक आंदोलन में भी बहुत बड़े बिरादरी है, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, अलग अलग थोड़े मतभेद रखने वाले लेकिन एक आने वाले तबके होते हैं, उन सबको तो झलकना संभव ही नहीं होता है। उनका किसी को प्रतीक या फेस बनाकर जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले तो बात उठेगी, जो ही अगर इंटरव्यू दे तो बात उठेगी, कभी कभार जबकि आंदोलन बहुत ही ऊंचे चोटी पर, ऊंचे एक मर्यादित अर्थ से एक परम चोटी पर पहुंचता है, अपने कमिटमेंट की परीक्षा देने की चोटी, अपनी जान की बाजी लगाने की चोटी, अपने उसूलों में समझौता न करने की स्थिति पैदा करने की और उसमें खुद को ढालने की चोटी, उस तक पहुंचता है, तब निश्चित रूप से कहीं और भी लोग उस पर्दे पर आते हैं, अन्यथा नहीं के बराबर अवकाश उन लोगों को होता है जो आंदोलन के सही अध्वर्यी होते हैं। और इसीलिए मुझे तो कई बार कहीं पहुंचना भी दिक्कत लगती है। मैं आज ओंकारेश्वर में पहुंच जाऊं तो फोकस होगा, तो हमारे वहां नेतृत्व करने वाले साथियों का क्या होगा? लेकिन ये निश्चित रूप से कि एक एक जगह पर चल रहे तमाम आंदोलनों की एक बहुत बड़ी बिरादरी होते हुए भी कुछ ही आंदोलन मीडिया पिकअप करती है और कब पिकअप करती है, इसका एक बहुत सुंदर एक आलेख आपके सामने राजीव जी ने रखा। हमारे भी इसी प्रकार से अनुभव है जिससे बहुत बोध और प्रबोधन लेने की और होने की जरूरत है। एक तो कई बार उपवास हुए, अगर उस प्रकार के एक सत्याग्रह के एक फॉर्म का, जो कि जन आंदोलन और अहिंसक जन आंदोलनों की बिरादरी की बात मैं जानती हूं, मैं उसका हिस्सा हूं, हिंसा को अहिंसा को मूल्य मानती हूं, हिंसा को धिक्कारती हूं, चाहे फांसी की सजा क्यों आप जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की बात लेकर चलने वालों के लिए उपवास जबकि एक ब्रह्मास्त्र जैसा होना है तो जरूर कि उपवास को लेकर कुछ संवेदना जगती है। उसे याद है कि 18 दिन के बंबई के हमारे उपवास में हजारों हजारों सब जगह से आदिवासी जब आए थे 1993 में, तब दत्ता सामंत जी आए, बोले पहली बार मुझे ऐसा लगा कि भारत को तो यही शस्त्र समझने आता है, इतने सारे लोग, आपका इतना सारा समर्थन, मैं भी आप उसी का अवलंब करूंगा। मंच पर चढ़ गए, बोलने लगे, अब
हमारे उपवास का 16वां 17वां दिन था, और जो उनको गुस्सा आया सरकार का, जो संवेदनहीन है कि उन्होंने माइक हाथ में लेकर कहा मैं तो ठोकूंगा। भाषा और भाषा भी उपवास के दरमियान अहिंसक नहीं होती है, लेकिन उपवास जो अहिंसक रणनीति की एक चोटी होती है, वो भी कई प्रकार के होते हैं और कई जगह होते हैं। आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं, पेंच बांध के मुद्दे पर संघर्ष और उपवास करने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी नागपुर में मृत्यु को हासिल किए पर अपना मकसद नहीं हासिल कर पाए। ठाकुर था उनका नाम। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, कई जगह बहुत ही दिलेरी से वो निगमानंद स्वामी नहीं गुजरते हैं, ये भी हुआ है। कई जगह उपवास को 10 दिन तक पहुंचने तक मीडिया देखता तक नहीं है, समाज तक खबर तक पहुंचती नहीं, पहुंचाती नहीं जाती, जो भी है। और फिर भी कई बार ऐसा होता है, जैसा कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन में हुआ, कि मीडिया पहले ही दिन से 40 या 80 के संख्या में सामने हाजिर रहे। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जन आंदोलन के लोग इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। एक एनालिसिस जो राजीव जी ने रखा वो आया कि क्या वर्ल्ड क्रिकेट की पार्श्वभूमि थी, भ्रष्टाचार के बहुत सारे घोटाले निकले हुए थे वगैरह वगैरह। दूसरा एनालिसिस जो आज बोलने का मौका है इसलिए बोली गई थी, मीडिया के अंदर के ही लोगों ने मुझे बताया वो बहुत ही अलग था और डराने वाला। उन्होंने कहा कि नीला राडिया की घोटाले की जो बात उभर आई थी उसके कारण मीडिया को भी कई साधुत्व की बात अपनाने का मौका चला। और उन्होंने कहा ये बात जब मैं आपके कि दूसरे के मुझे याद नहीं आ रहा ना, आप कभी कभी हम आपका नाम लेने में भी गलती करते हैं, लेकिन एक बाजू अर्ण गोस्वामी और राजदीप सरदेसाई, एक बाजू राहुल नाम के नए नए व्यक्ति और अपने बिल्कुल कंपेरेटिव कॉम्पिटेटिव स्पिरिट में चलाते रहते हैं, तो मैं कहां बोली मुझे याद नहीं। लेकिन एक बार ये हुआ कि ये एनालिसिस जैसे मैंने उल्लेखित किया मुझे बताया गया, मुझे कहा गया, फिर बात काटी गई। अब मेरा ये होता है कि यहां बोलो और दूसरी जगह चले जाओ। पीछे देखने के लिए जो समय चाहिए, आंदोलनकारी को गंभीरता चाहिए, मूल्यांकन चाहिए, मान लिया, लेकिन नहीं होता है। जैसे मीडिया को नहीं होता है, एक खबर दे दी, चार दिन तक उछाली, फिर उसका क्या हुआ, लोग मरे की जेब खा देता है। तो वैसा आंदोलनकारियों का हृदय से होता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी नहीं उसके साथ जुड़े हुए अत्याचार अन्याय हिंसा हर जगह दिखाई देता है, लगता है उस सोना भी नहीं चाहिए रात को, बैठना तो नहीं। लेकिन ऐसा एक एनालिसिस था। दूसरा एनालिसिस ये था कि मीडिया जो कि कॉर्पोरेट्स के हाथ में चला गया है, उनको कॉर्पोरेट्स को टारगेट न करते हुए भ्रष्टाचार के विरोध की बात अगर होती है तो वो चाहिए थी जो उनको इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए। अब हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी जो बार बार कहते थे टीम का हिस्सा नहीं है, हम कोर कमेटी में बहुत सोच समझ, बताओ आंदोलनों के बीच का वर्णन आज नहीं करूं कुछ, लेकिन बहुत सारी बहस वगैरह करते हुए हमने स्वीकार किया था। और ये कहने के लिए कि जनरल लोकपाल का मसौदा संविधान के खिलाफ नहीं है, हमने जांच और अभ्यास के बाद मान लिया। ये कहने के लिए कि मध्यम वर्गीय हम भी रहे हैं, हमारे माता पिता के, और बहुत सारे मध्यम वर्गीय अगर उतर आते हैं जन आंदोलनों में तो शोषित पीढ़ी को हमने कोई ठेका नहीं लिया है देश के परिवर्तन का, इसलिए हम उनका स्वागत करेंगे, हम स्वागत करते हैं। और अन्ना हजारे जी हो सकता है हर मुद्दे पर जातिवाद, सांप्रदायिकता, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, नॉर्थ ईस्ट से कश्मीर तक के सवाल, इन मुद्दों पर हम जो एक व्यापक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आवश्यक मानते हैं, जरूरी मानते हैं, उसमें कोई जटिलता नहीं मानते, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय और जनतंत्र की बात को समझते हैं, समझना चाहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं, आदर्श नहीं होते, देश भर दुनिया भर नहीं फैले होते, डॉट्स ऑन द कैनवास होते हैं, हम
लेकिन हमारे बीच का चित्र रेखा कर जिंदा रहना, जीवित रहना, खुद को जीवित रखना और समाज को भी इसकी कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अन्ना हजारे जैसे कम से कम सादगी और स्वावलंबन को मानने वाले व्यक्ति कुछ नेतृत्व देते हैं। कोई केवल भव्य वस्त्र में या केवल हरे वस्त्र में थे साधु बाबा नहीं, और करोड़ों रुपयों की संपत्ति इकट्ठे गए हुए नहीं, कंपनी को ही अपना आधार मानने वाले नहीं, और कोई कॉर्पोरेट जगत से आकर गोल्ड मेडल पाने वाली नहीं, और कोई ऐसे राजनेता नहीं जो 5 साल की सोचकर बहुत पीढ़ियों की बात करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई इसमें कोई गलत नहीं है कि आंदोलनों ने इसके पीछे ताकत खड़ी करना, लेकिन सब कुछ गिरवी रखकर सभी अपनी पंखुड़ियां निकालकर उसी बास्केट में या टोपी में अन्ना की डालकर नहीं, अपनी स्वतंत्रता अपनी व्यापकता कायम रखते हुए, तो ये हमने करना चाहा। तो हमारे जन आंदोलनों के साथ ही जब भी हम रामलीला के मंच पर चढ़ते थे, संदीप पांडे हैं, डॉक्टर सुनीलम है, अखिल गोगोई है, जो भी आप जिनका भी नाम लो, कभी अन्ना आए, कभी अमित भादुरी जी आए, कभी शैलेश गांधी जी आए, उसे लगता है हर किसी ने इस व्यापकता के आधार पर बात की। और इसीलिए वहां पहले हुए तिरंगे झंडे से भी अधिक राष्ट्रीयता आंदोलन की भूमिका के द्वारा उठनी चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। वही व्यापकता उसे रणनीति में उठनी चाहिए, उभरनी चाहिए, ये आंदोलन की एक सहज स्वाभाविक अपेक्षा है। और सही मोड़ पर अगर आप सही व्यापकता के पास तरफ नहीं मुड़ते हैं तो आप वहीं संकुचित होकर धीरे धीरे श्रिंक होते हैं, आपका अवकाश आप खुद समाप्त करते हैं। द मूवमेंट इज बिल्ट एंड ब्लूम, ये एक टाइटल किसी अखबार या पत्रिका के एक आलेख में था, वो मुझे याद है, लेकिन हमें दिखाई देता था कि इस व्यापकता को जब हम रखना चाहते थे तब मीडिया में हिचकिचाहट होती थी। कॉर्पोरेट की बात करो, ये अनुभव मुझे अभी अभी के अरविंद और साथियों के अनशन में भी आया, मुझे भी ये अनशन ब्रह्मास्त्र को एक छोटा अस्त्र बनाने जैसी बात दिखाई देता था। पर हम कौन थे तय करने वाले, क्योंकि हम लोग पूरे झोंकने वाले नहीं थे, जो पूरे झोंकते हैं उनका नैतिक अधिकार होता है आंदोलन को हर मोड़ पर निर्णय लेकर आगे बढ़ाने का, भले भूल चूक क्यों ये मानने वाले। तो ऐसी स्थिति में जब फिर भी हम लोग समर्थन के लिए मैं कैसे वैसे गई, नहीं तो कहां गई वो, ऐसा सवाल मीडिया ही करते थे। तो वहां पहुंचे तब मालूम पड़ा कि बात तो ज्यादा ही दिख रही है तरफा, अब किस तरफा मैं नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुमार विश्वास जैसा एक, क्या आपने बात कही, वो एक डेकोरेट करने वाला या एक वाइब्रेंट इस प्रकार का संचालक खड़ा था। जब उसने एक बात जाति के बारे में, आरक्षण के बारे में कुछ मुद्दा उठाया था, तब इस मुद्दे पर भी आपके सबके बीच में मतभेद हो सकते हैं, पर हमारी कटिबद्धता है मंदिर की है, तो हमने कहा कि ये नहीं चलेगा मन से। गांधी के साथ बाबा साहब का फोटो लगाओ तो आपकी वो भूमिका स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम आपके हर शब्द में आपकी पूरी भूमिका झलकनी चाहिए। ये बात भी अंदर होती थी, मीडिया में नहीं होती थी, और नहीं होती वो अच्छी हो, लेकिन जब ऐसा ही माहौल था तब न जाने मैं भ्रष्टाचार भी भूल गई और मैंने पहली बात इन्हीं मुद्दों पर उठाई, बाद में मुझे गलती महसूस। पर जब मैं कॉर्पोरेट में बोलने लगी मुझे महसूस हुआ, और बाद में लोगों ने बताया कि उतना हिस्सा भाषण का कई सारे मीडियो में कट कर दिया। तो ये बात होती है, एक बात जो मीडिया भी और समाज भी अपेक्षा करता है कि आंदोलन व्यापक बने, आगे बढ़े, लेकिन कई बाजू यही ठीक लगता है, सबको सुरक्षित लगता है कि वो एक किसी मुद्दे पर फोकस्ड रहे और इधर उधर न देखे न जाके। और मीडिया का तो रोल इस कारण भी उस आंदोलन के काफी पक्ष में रहा, ये उस विश्लेषण के एक छोटे से मुद्दे से शुरू करके मैं कहां से कहा रही। लेकिन ये कहा मुझे मीडिया की तरफ से कि ये भी एक कारण था। तीसरा कारण था अलायंस पॉलिटिक्स, जिसको आप करप्शन पॉलिटिक्स ही कर सकते हैं, आइडियोलॉजी का करप्शन, करप्शन का नहीं, अपने उद्देश्यों से हटकर हाथ के संसाधनों का उपयोग करना,
किसी नौकरशाह ने किया हो या किरण बेदी जी ने किया हो, हम उसको गलत गलत ही मानते हैं। लेकिन जबकि बात उठती है राजनीतिक सत्ता के भ्रष्टाचार की, तो सत्ता के दुरुपयोग की बात होती है। वो सत्ता का दुरुपयोग खनिज संपदा के आवंटन में भी है, बंबई और शहरों की भूमि की आवंटन भी है, न केवल प्रतिभाशाली को लेकिन कई सारे दादा माई को भी आवंटन हुआ है। देखने जाएंगे तो कई सारे घोटाले निकलेंगे, ऐसी स्थिति है। शक्कर कारखाने महाराष्ट्र के 29 में से 17 से 20 बेचे गए हैं। सही तो ये मुद्दा राजदीप जी आपका अगला प्रमुख मुद्दा बनना चाहिए। आधे बीजेपी ने खरीदी है, आधे राष्ट्रवादी कांग्रेस। 300 करोड़ के एक एक सहकारी शक्कर कारखाने की प्रॉपर्टी 30 करोड़ में खरीदी है, बहुत खूबसूरती से। वो जो पहला नाम है मंत्री का तो आर्मस्ट्रांग नाम है उनकी कंपनी का, बस इतना ही कर दिया है। ये बात जो होती है और इतना सारा पॉलिटिक्स प्रभावी और दबावकारी होते हुए भी, जिसके कारण आपको लगता है कि तमाम जन आंदोलनों में आप राजनीतिक पार्टी में उतर आना चाहिए, कईयों को लगता है, कईयों को नहीं भी लगता है। बहुत सारे कौन सारे, अब अगला कदम आप ही तय करो, एंटी पार्टी या मूवमेंट का नॉन पार्टी। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है, क्यों ना आप विकल्प देते हैं, मैं उसकी बात कर रही थी कि मीडिया उसको कैसे पेश करता है। इस पूरे अलायंस पॉलिटिक्स को एक प्रकार से खिलाड़ी जैसे खेल में, क्या बोलते खेला मधे रंगो तो मीडिया, आणि या सर्वांनाच मी आदर्श ऐकलं, कदाचित म्हणजे कदाचित मी खरंच असेल सोनिया आणि राहुल गांधींनी सलाम उनको इतना भी करे तो बहुत हुआ मेरे ख्याल से, एक भी इंटरव्यू नहीं दिया एक भी नहीं। लेकिन अभी अभी ये भी खबर आई कि देश के प्रमुख राजनेता उनसे बहुत ही थोड़े, सुषमा स्वराज या अरुण जेटली या और कांग्रेस का किसका नाम लू याद नहीं है इसलिए केवल, लेकिन ऐसे थोड़े लोग छोड़े तो बाकी सब ये फेसबुक और ट्विटर में नहीं, अच्छी बात नहीं सर। एक तो उनके पास समझ नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो और ही किसी में रंगे ढंगे हैं। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि उनको मालूम है कि गहरी राजनीतिक प्रक्रिया इस सब ऊपरी ऊपरी नेटवर्किंग से नहीं होती है, जिसके बाद भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर भी राजदीप जी। लेकिन इसी पॉलिटिक्स को न केवल एक घोटाला, कोई इवेंट भी हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में किसी चंद्रशेखर आजाद की समाधि तोड़ दी, और छोटी बात जो मीडिया में नहीं दिखाई दे रही है वही बताती, बाकी तो सब आप जानते हैं, उसको लेकर कितना सारा पॉलिटिक्स। शिवराज सिंह चौहान कंट्या भील झांसी की रानी और ऐसे जैसे आंदोलनों में जुड़े हुए, उसके बाद भी आंदोलनों के बिरसा मुंडा भी मनाई के सब आदिवासियों के नेता आजादी के सही शहीद, उनको लेकर कितना सारा सेलिब्रेशन किया, माहौल बनाया। पर आज जब नर्मदा घाटी में आदिवासियों की जमीन घर द्वार गांव डूब रहे, शिवराज सिंह एक शब्द नहीं उच्चा रहे, अपने दो भ्रष्ट मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से अभी भेज रहे हैं नर्मदा घाटी। तो ये जो अलायंस पॉलिटिक्स की का गरिमा है, करिश्मा है और एक करामत भी है, उसको मीडिया बहुत खूब पेश करता है। कभी वो अकाउंटेबिलिटी में परावर्तित होती है, लेकिन कहीं वो नॉन अकाउंटेबिलिटी को भी समर्थन देती है। कैसे है? अगर उनको केवल एक फेस मिल गया, उनको एक कहने का मौका अवकाश मिल गया, उनको लगता है इसी से मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, और इसके लिए घोटाले जितने ज्यादा उतना वो नेता प्रसिद्ध भी होगा। हमारे एक वकील बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार इतना प्रसिद्ध चीज नहीं थी, आज ये मशहूर बात हो गई कि आप किसी को लगता है मैं उसको छुपे तो देखो, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो अलायंस पॉलिटिक्स है, जो आइडियोलॉजी लेस कई बार दिखता है, वैल्यू लेस दिखता है, जिसमें वो एक निकष खोया हुआ है, मीडिया उसको एक न एक प्रकार से अपना साधन या हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। और ये मूवमेंट को इस प्रकार से राजनीतिक दलों में इस्तेमाल किया। विलासराव देशमुख जी अभी नहीं रहे, बात करना ठीक है कि नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने कहा था, जबकि उन्होंने कोई भूमिका विशेष उस प्रक्रिया में नहीं निभाई, मैं उसकी
तमाम मुसलमान खुर्शीद के घर रात रात तक बहस चलती थी हमारी। प्रणब मुखर्जी जी उसमें लगे हुए थे, थोड़े दिलेरी के साथ लगे हुए ये दो व्यक्ति फिर कहते। लेकिन विलास राव जी ने कहा था, यार मेरा टीआरपी तो बढ़ गया इस मोमेंट से, बहुत दुखद बात है। इसीलिए मैंने तो कभी नहीं कहा, मैं कहूंगी अंडा ने कैसे कहा पता नहीं, कि उनको श्रद्धांजलि के रूप में लोकायुक्त का गठन, जो अच्छा कार्य करता है उस कार्य को दूसरे किसी ने बाद में करना, इसे श्रद्धांजलि कहते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन ऐसे ही विलास राव जी महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन को मिल रहे हैं यूपीए को, कि जो पत्र लेकर वहां पधारे। मैंने दरवाजा अटकाया उनका और पूछा कि महाराष्ट्र का क्या, गोलीबार का क्या, ये क्या हो गया? बोले नहीं, मैंने भी पढ़ा है उसके बारे में करके वो निकल गए, वहां कोई मीडिया नहीं था इसलिए मुद्दा नहीं। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की बात करना और मीडिया में झलकना एक किस्सा है राजनेताओं में जन आंदोलनों का उपयोग करने का। और में से जो मुझे बताए गए, मीरा राणिया का की पार्श्वभूमि, उसके स्कैम की जो भी अभी तक कहीं अंत तक पहुंचा ही नहीं है, पहुंचेगा कि नहीं ये भी मालूम नहीं है। कॉर्पोरेटाइजेशन से नफरत नहीं लेकिन भ्रष्टाचार का विरोध, ये वाली भूमिका। और तीसरा, अलायंस पॉलिटिक्स को एक हथियार या साधन के रूप में आंदोलन का मिलना हासिल होना, ये तीन भी बहुत बड़े कारण रहे ऐसा मुझे कहा गया। पर हम लोग उसको थोड़े बाजू में देखकर भी देखते हैं तो ऐसा भी नहीं कि जन आंदोलन केवल मीडिया ने जो किया या नहीं किया उसी को देखकर चल सकते हैं, कभी एक बिल्ली होती है मीडिया, उसको और जोर से आप अपने गोद में थपथपाओ तो निकल जाती है, ऐसा मेरा मानना है। आप उसको बने रहने दो, उसको बैठने दो, कभी कभार हाथ घुमाओ, अपनी बात छेड़ के चलने। लेकिन ये जरूरी है कहना कि जन आंदोलनों को तो आज ये आह्वान या चुनौती के रूप में बात स्वीकार करनी पड़ रही है, मीडिया के साथ संबंध कैसे हो कैसे नहीं। हमारे अपने पहले एक दो दशक के अनुभव बहुत अलग रहे और पिछले 5-7 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, वो धीरे धीरे या